अस्सलाम वालेकुम रेसिपीज़ विद मी चैनल में आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट मूस केक, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो आप यहाँ पर देख लें। यहाँ हमने हाफ लीटर दूध ले लिया है और ये मैंने फुल फेट मिल्क लिया था। इसको बॉयल करने के बाद में अब ये फ्रिज में रखा था, इसका मतलब ये है कि इस वक्त बिल्कुल ठंडा है। साथ ही हम ले लेंगे हाफ कप व्हिप्ड क्रीम, जो हम केक में यूज़ करते हैं। हाफ कप हमने यहाँ शुगर ले ली है, 1/4 कप हम यहाँ कॉर्नफ्लोर लेंगे, 1/3 कप हमने यहाँ पे कोको पाउडर लिया है, 1/2 कप हमने यहाँ पर डार्क चॉकलेट ली है और 1/4 कप हमने यहाँ पर नॉर्मल जो चॉकलेट होती है लाइट कलर की वो ले ली है। ये कंपाउंड वाली चॉकलेट है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं मूस केक। केक को जमाने के लिए हमें ज़रूरत होगी इस तरीके के कंटेनर की। आप चाहे तो गोल भी ले सकते हैं, यानी कि राउंड वाला, लेकिन उसके अंदर बटर पेपर लगा हुआ होना चाहिए, साथ ही हल्का सा ये ग्रीस भी होना चाहिए। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है, बाउल के अंदर हम थोड़ा सा दूध ऐड कर लेंगे। इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे कोको पाउडर, साथ ही हम ऐड कर लेंगे कॉर्नफ्लोर। इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह ना रहे। इससे क्या होगा, जब हम थोड़ा दूध ऐड करते हैं तो इससे लम्स नहीं पड़ते हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे व्हिपिंग क्रीम, इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। शुगर हम इसे जब छानेंगे उसके बाद में ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे दानेदार शुगर है तो इसे हम थोड़ी देर बाद ऐड करेंगे। इसको हम छान लेंगे ताकि इसके अंदर जो कोई अगर लम्स होगा भी तो इसी के अंदर रह जाएगा, स्टैंडर्ड में रह जाएगा, वो हमें आसानी रहेगी। अब यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है, पैन के अंदर हम इसको गुजार देंगे। सारे मिक्सचर को अच्छे से हम गुजार देंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे। सारा दूध ले लेना है क्योंकि ये 1/2 लीटर दूध है और ये हमारा मेजरिंग का दूध है। इसको हमने साइड रख दिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे शुगर, इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसको रखेंगे हम चूल्हे के ऊपर। गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, इसको हम मीडियम पर ले आएंगे, ये देखें इतना। और इसको रखेंगे हम मूस केक और इस तरीके से इसमें चलाते हुए, विस्कर को चलाते हुए इसको पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर, यहाँ तक कि ये अच्छी तरीके से थिक हो जाए। थोड़ी देर के बाद में इसमें हम डार्क चॉकलेट ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से चलाते हुए हमें केक के बैटर को तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं, अभी इसमें बबल्स आना शुरू नहीं हुए हैं। अभी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चॉकलेट, इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स करते रहेंगे मीडियम फ्लेम पर। इसे हम तब तक पका लेंगे जब तक ये थोड़ा सा थिक होता है, तो मैं आपको दिखाऊँगी कि हमें कहाँ तक पकाना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे मूस केक के अंदर से बबल आने लगे हैं, मतलब इसमें बॉईल आने लगे हैं। अब इसे हम 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। ये देखिए, ये हमारा इतना थिक होना चाहिए, ये देखें। तो इसे हम 1 मिनट के लिए और चम्मच चलाते हुए पका लेंगे। इसमें रेगुलर चम्मच इसलिए चलाना पड़ता है क्योंकि कॉर्नफ्लोर है तो ये जल भी सकता है। 1 मिनट और हो गया है हमारे मूस केक के बैटर को बनते हुए। अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये है और यही होनी चाहिए। ये देखिए, मैं आपको बार बार इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको पता चले। ये देखें, तो फ्लेम को हम ऑफ़ कर लेंगे, इसको हल्का सा ठंडा करेंगे, उसके बाद में हम इसे मोल्ड में ऐड करेंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे इस तरीके से चम्मच चलाते हुए। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है, केक के बैटर को हमने इस तरीके से ठंडा कर दिया है चम्मच चलाते हुए ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब इसको हम मोल्ड के अंदर ऐड कर देंगे। सारा बैटर हमने केक मोल्ड के अंदर ऐड कर दिया है, इसको हल्का सा टेप करेंगे और इसको रख देंगे हम फ्रिज में। तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखेंगे। फ्रीजर में नहीं कह रही हूँ मैं, फ्रिज में रखना है इसको 5 से 6 घंटे के लिए। तो 6 घंटे के बाद में फिर मिलते हैं। चॉकलेट मूस केक को रखे हुए फ्रिज में तकरीबन 5 से 6 घंटे हो गए हैं और अभी एकदम से तैयार है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो हम इस तरीके से इसको प्लेट रखेंगे। पहले इसे हम हाथ में यूँ उठाएँगे और इसे यूँ देखिए, ये बहुत आसानी से निकल गया है और ये बहुत आसानी से निकल भी जाता है। ये देखिए, ये देखिए कितना शानदार बनकर तैयार हुआ है माशाल्लाह। अब इस पर हम थोड़ा सा कोको पाउडर डालेंगे और अब हम एक स्टैंडर्ड में 1 चम्मच के करीब डाल लेंगे कोको पाउडर और इसको इस तरीके से इस पर छान देंगे। ये देखने में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है और खाने में आप यकीन मानिएगा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और आपने देखा कि इसको बनाना भी इजी है। अब इसके हम पीसेस कट कर लेंगे।
तो शार्प नाइफ लीजिए और इस तरीके से इसको कट कर लीजिए। चॉकलेट मूस केक बनकर तैयार है। आप इसको सर्व करें बिल्कुल चिल्ड, क्योंकि ये चिल्ड ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप भी अपने घर में अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए इसको ज़रूर बनाइएगा, ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। और साथ ही ये बहुत इजी है घर में बनाना। तो रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर हाज़िर होती हूँ एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।